दोस्तों मेरे हाथ में आज क्या है बता सकते हैं आप? ये एक इतनी छोटी सी चीज है जो मेरे दोनों पाम्स के अंदर फिट हो जाती है, और ये है, आपको सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ये है एटेक का कार्ड फोन। इतना छोटा सा फोन है ये, देखिए। एक्चुअली मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड भी है, तो ये क्रेडिट कार्ड और ये फोन, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड से भी छोटा है ये फोन। और इसका हम आज अनबॉक्सिंग, रिव्यू, प्लसेस, माइनसेस, एडवांटेजेस, आपने खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन चलिए पहले देखते हैं इस फोन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस रिव्यू को चालू करने से पहले मैं ये कह दूं कि ये banggood.com से लिया हुआ है फोन, और मैं लिंक दे रहा हूं इस फोन की आपको, अगर आपको खरीदना है। इसकी कीमत सिर्फ 912 रुपए है, जी हाँ, 1000 रुपए से भी कम है। तो अगर आपको खरीदना है तो आप जरूर खरीद सकते हैं banggood.com से। जैसा फोन है वैसा ही इसका पैकेजिंग है, एकदम छोटा सा, ये देखिए इतना पतला है लिटरली। ये है फोन, कुछ नहीं आता है, फोन आता है साथ में, निकाल के देता हूं, ये देखिए फोन, क्विक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड यूएसबी चार्जर केबल। इसके पास ट्रैवल अडैप्टर भी नहीं आता है, सिर्फ आपको चार्जर आएगा, आप आपके मशीन को वगैरह लगा सकते हैं एंड यू कैन चार्ज दिस फोन। तो नीचे की तरफ माइक्रो यूएसबी पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और ये एक ऑन ऑफ स्विच है जो बहुत ही अजीब तरीके से लगाया हुआ है, क्योंकि अंदर है, आपको कुछ पिन या ऐसा कुछ चीज़ लगेगा जिसकी वजह से आपको ये ऑन करना पड़ेगा चालू करने से पहले। ये देखिए अभी हमने डाला हुआ है BSNL का सिम कार्ड, इसमें सिर्फ GSM ही सपोर्ट करता है, और वो भी नैनो सिम ओनली। चलिए पीछे खोलते हैं और देखते हैं इसको। इसकी जो बॉडी है ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ आगे ऊपर टॉर्च है, LED टॉर्च, एंड साइड वाइज कुछ नहीं, नीचे तो मैंने ऑलरेडी कह दिया है आपको, बैक में भी कुछ नहीं है, देर आर नो कैमराज, नो नथिंग। ये बेसिक फोन है, छोटा सा फोन है जो आप कैरी कर सकते हैं आपके पॉकेट में। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट ऑल दैट ग्रेट, क्योंकि प्लास्टिक का ही है, 900 रुपए का अगर फोन होगा तो आप समझ सकते हैं ऑल मेटल बॉडी तो आपको मिलेगी नहीं इसकी। चलिए बैक खोलते हैं, सिंपल सा प्लास्टिक बैक है, ये देखिए, ये है इसका सिम कार्ड स्लॉट, नैनो सिम सिर्फ जाता है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। इधर बैटरी है लेकिन वो स्टिकर से उन्होंने बंद किया हुआ है, इसीलिए वो निकाल नहीं सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट नहीं डाला हुआ है, सिर्फ सिम कार्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर SD कार्ड मतलब 1 GB का SD कार्ड भी चलता है, ये देखिए। और इस तरफ आपको पड़ेगा आपका SD कार्ड, मिनी SD कार्ड। तो दोस्तों देखते हैं अगर ये फ़ोन पहले काम करता है नहीं, क्योंकि ये ऐसे फ़ोन से पता नहीं चलते हैं या नहीं। तो मैं एक फ़ोन कॉल कर रहा हूँ इस फ़ोन पे, प्रतीक का फ़ोन है ये, देखते हैं अगर चलता है या नहीं, हैंड्स फ्री देखते हैं। हेलो, तो आपको मालूम है क्या होता है जब आप दोनों भी लाउड स्पीकर चालू करेंगे। तो फोन कॉल्स तो चलते हैं, जो बेसिक फीचर है इसके अंदर 500 कॉन्टैक्ट्स रह सकते हैं, प्लस जो आपके सिम कार्ड के ऊपर स्टोर्ड हैं वो भी चल सकते हैं, लेकिन आपको SD कार्ड इसके अंदर डालना पड़ेगा। बाकी के फीचर्स देखते हैं, इसके मेनू में जाते हैं, फोन बुक है, कॉल सेंटर है, मैसेजिंग, अगर आपको SMS करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बेसिकली ये जो फ़ोन है ये सिर्फ कॉलिंग के लिए है आपको, जो आप पॉकेट में रख सकते हैं, छुपा के किधर भी रख सकते हैं, आपके वॉलेट के अंदर भी ये चला जाएगा, इतना छोटा सा फ़ोन है ये। ऑडियो प्लेयर है, अगर आपके पास म्यूजिक होगा SD कार्ड पे आप सेव कीजिए आपके सॉन्ग्स और ये प्ले कर सकेगा। इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, FM रेडियो भी है, ये देखिए FM रेडियो, तो आप FM रेडियो भी चालू कर सकते हैं और ईयरफोन्स लगाने के बाद आप सुन सकते हैं। ऑर्गेनाइजर सेटिंग्स में चलिए देखते हैं क्या क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कंपैटिबिलिटी, रिस्टोर सेटिंग्स, प्रोफाइल्स, फोन सेटिंग्स, प्रोफाइल्स एंड फोन सेटिंग्स, ओके,
टाइम एंड डेट, लैंग्वेज इंग्लिश है अभी, इनपुट मेथड मतलब आपका कीबोर्ड, डिस्प्ले, डिस्प्ले में देखते हैं क्या है, वॉलपेपर चेंज, पता नहीं इतने छोटे से स्क्रीन, इसका जो स्क्रीन है उसका साइज है 0.96 इंच, तो जनरली हम 4 इंच 5 इंच 6 इंच के बारे में बात करते हैं, इस फोन का स्क्रीन है 0.96, 1 इंच का भी स्क्रीन नहीं है इसका। टॉर्च लाइट ऑन कीजिए, ओके, और ये रहा आपका टॉर्च। सो रात के लिए भी अच्छा है, अगर आपको टॉर्च चाहिए ऑफ कर सकते हैं फिर आप। Torchlight is closed. Bluetooth है तो आपके पास अगर Bluetooth headsets होंगे तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे इसके साथ। File manager, पता नहीं file manager क्यों है, लेकिन SD card के files आपको browse करने होंगे तो उसके लिए file manager भी है इसमें, और phone book। तो दोस्तों आप हमें बताइए आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में। ये डेफिनेटली ऐसा फ़ोन है जो आप आपके साथ कैरी कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। आप जब बात करेंगे ये इस फ़ोन के साथ, शायद लोगों को पता भी नहीं चलेगा आप किससे बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन ही इतना छोटा है, कार्ड के साइज से भी छोटा फ़ोन है। आपको क्या लगता है आप इस्तेमाल करेंगे? देखिए इसकी प्राइस 950 या 916 या 917 रुपये है banggood.com पे, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिए उसको। आपको लगता है कि आप ये फ़ोन खरीदेंगे सिर्फ फ़ोन कॉल्स के लिए, सिर्फ एक नॉवेल्टी आइटम होने के लिए? इतना छोटा सा फ़ोन है ये, आपको चाहिए? शायद हम इसका गिव अवे भी ज़रूर करेंगे, आपको हम बताएंगे सब डिटेल्स अगले वीडियो में। तो इसका गिव अवे भी आ रहा है और 2-3 और भी फ़ोन से जिसका गिव अवे बहुत ही जल्दी आ रहा है ट्रैक इन टेक चैनल पे, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है आपको तो कमेंट्स में हमें ज़रूर पूछिएगा। अगले वक्त तक के लिए